खरगोन जिले के टांडा बरूड क्षेत्र में जहां लॉकडाउन के चलते टमाटर की फसल चौपट हुई, वहीं अब किसानों को अनाज और प्याज के भाव नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों को अपने माल की बिक्री हेतु लाने ले जाने की भले ही अनुमति दे दी गई हो, परंतु क्षेत्र के कृषक आज भी अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। जिसका मुख्यतः कारण है कि आवागमन के साधनों और मंडियों का बंद होना, जिसके चलते कई कृषकों के खेतों में भाव की वजह से प्याज के ढेर लगे हुए, तो कहीं मक्का जैसे अनाजों के भाव महज 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को किसान मजबूर हो रहा है। जहां क्षेत्र के कई कृषकों को अपनी उपार्जन को रखने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो कई कृषकों ने धर्मशालाओं में अपने अनाज और प्याज का भंडारण किया है, तो कई कृषकों की फसल अभी भी खुले जंगल में कृषि भूमि पर पड़ी हुई है। इस संबंध में क्षेत्र के कई कृषकों को अपने आने वाले भविष्य की चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है और धरती पुत्र को भाव न मिलने के कारण अपने खर्चे की राशि भी नहीं उपार्जन से निकल पा रहा है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। प्याज बोया था आपने, फसल कैसी निकली आपकी? प्याज का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, नहीं कोई प्याज का लेवा नहीं, किसान का जहर बन बड़ा का जहर रहना साल, अगर नहीं ध्यान दियो सरकार ने तो। आपके उपार्जन से ज़्यादा खर्च हुआ है क्या? हाँ। अब आप प्याज कहाँ बेच रहे हैं? कहीं नहीं बेच रहा, थड़ी राज प्याज घर में। कितने प्याज होंगे आपके पास? नहीं प्याज होगा 3000 खर्चा का। क्या नाम है आपका? धन्यालाल गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।